नमस्कार, अवंतिका स्टोरीज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरा सलाम, नमस्कार एंड दुआ। आप सोचते होंगे ये फूल दिखाने का क्या मतलब है। ये फूल दिखाने का मतलब है कि मुझे मेरा मायका याद आ रहा है। मेरे घर में भी ऐसे ही गार्डन होते थे और बहुत बहुत सारा फूल होता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मेरे फादर मेरे साथ मिलके और माली के साथ लग के, अरे ये फूल लगाओ, वो फूल लगाओ, और तब मुझे इतना छोटी सी थी तब से ही फूल पौधों का बहुत शौक है, और तब मुझे लगता था यही मेरी दुनिया है। पढ़ाई के बाद जितना भी समय मिलता मैं भाग के अपने इसी एक जो गार्डन था उसमें आ जाती, और दिन भर चाहे वो गर्मी की धूप हो या जाड़े की धूप मैं उसी में घुसी रहती। माँ परेशान हो जाती थी। इसी में मुझे एक बार चिकन पॉक्स हो गया क्योंकि मैं बहुत धूप में रही थी। तो लीजिए, अपने मायके को याद करते हुए मैं चिड़ियों को देख देख कर ये गाना गा रही हूँ। ओ चिड़िया तू गाती क्यों है, कोयल की कुहू सी मन को भाती क्यों है। भूख उठती है और याद आए ऐसे, बाबा की दुआरी कोई छूटा हो राग जैसे। चुनमुन चिरैया मैं हूँ बसत परदेश, ना गा कुछ ऐसा जो जगाए दर्द दे कलेश। बाबा ने ब्याहा दूर समुंदर पार, ये भी ना सोचा बिटिया आएगी वापस कैसे तोरे द्वार। भीगा है मन चिरैया नागा कोई गीत, याद आते हैं सब ऐसे सपने हो नींद में जैसे। सावन के झूले होंगे बचपन की मीत, तू जा बता दे चिरैया तेरे हैं पंख। भेजे भैया को बाबुल कहारों के संग, दिन बीता नींद ना आए काहे तू शोर मचाए। लगता कुछ ऐसा जैसे मायके आई हो चिड़िया जैसे। पैरों में ना हो बंधन चंचल घूमे छन छन छन, सुर कुछ कुछ ऊंचा सा है खिलता बगीचा सा है। क्यों तोड़े मेरा दिल है ओ चिड़िया तू गाती क्यों है। सही, ओ चिड़िया तू गाती क्यों है, तू गाती है तो मुझे मेरा मायका याद आ जाता है। मैं क्या करूं, मुझे अपना बचपन, अपने फादर, अपनी मदर का डांट भी याद आता है साथ में। वो पकड़वा के मंगवाती थी मुझे कि उसको बोलो। मेरी मदर थोड़ी सोफिस्टिकेशन ज़्यादा था, वो थोड़ी सी शांत संयम वाली थी। वो फिर मुझे लेने के लिए कोई आता था, चलिए आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन आप कहाँ सुनने वाले थे। इसी खत में, इसी खेत में, इसी गार्डन में दिन भर, और मुझे गन्ना और वो जो झंगरी बोलते हैं जिसमें चना होता है, चना झाड़, वो बहुत पसंद था। मेरे फादर वो भी बहुत लगवाते थे। सब लोगों का कहना था कि मैं बहुत दुलारी थी, लेकिन शायद वो दुलार वहीं तक था। उसके बाद तो वो दुलार कहाँ गया मालूम नहीं। वो दुलार कभी मिलता भी नहीं है, आप चाहे जो कर ले। मायका मायका होता है तब तक जब तक आपके माँ बाप जिंदा है, शायद माँ जिंदा है, और उन्हीं से पूरा खानदान, पूरा घर महकता रहता है। वो एक सुर में, एक तार में सबको बांधे रहती हैं और ज़िंदगी को बताती हैं कि आप एक एक सुर में बंधे रहो। उनके जाते ही लेकिन वो सुर बिखर जाता है। आज फिर से वो सुर याद आ रहा है, ऐ चिड़ैया तू गाती क्यों है।